हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हरिओम गुप्ता, वेलकम टू HG ऑल इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बाकी आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं लोएस्ट फीस वाले गवर्नमेंट कॉलेज। वैसे तो गवर्नमेंट कॉलेज बहुत हैं, बट जो और भी कॉलेज हैं उनकी फ़ीस काफ़ी हाई है, बट जो ये कॉलेज है इनकी लोएस्ट फीस है, ठीक है। और इन सभी कॉलेज सभी गवर्नमेंट के गवर्नमेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको फार्मेसी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो नंबर वन पे जो कॉलेज आता है हमारा फ्रेंड्स, उसका नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती, जिसकी सालाना फीस है 50,000, ठीक है, इसकी पर ईयर की फीस है। और नेक्स्ट पे है जो वो है स्कूल ऑफ फार्मेसी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में, और ये कॉलेज इंदौर में है और इसकी जो फीस है वो है 32,500, ठीक है। ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। ये सभी फ्रेंड जो बता रहा हूँ सब गवर्नमेंट की ही लिस्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में, ठीक है। ये भी कॉलेज है जिसकी सालाना फीस है वो है 45,000, जो कि हाँ थोड़ी फीस कम ज़्यादा हो सकती है आपके कंपेयर में, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। और कॉलेज में जाने के बाद हॉस्टल फीस प्लस जो एग्जामिनेशन फीस होती है और कुछ अलग से भी वहाँ के लैब वगैरह की फीस लगती है, हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा हो, बट ये थोड़ी एक ओवरव्यू है, करीब इसी के आसपास होती है, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च न्यू दिल्ली, जिसे दिपसार या दिपसरू भी कहते हैं, और इसकी जो फीस है वो करीब 35,000 सालाना फीस। काफ़ी टॉप कॉलेज है, प्लेसमेंट भी अच्छी इसकी है। और यहाँ पे आपको बता दो फ्रेंड्स, इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता है, यहाँ पे आपके डायरेक्टली मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाते हैं। लेकिन हाँ, आपके 12th और 10th में हाईएस्ट मार्क्स होने चाहिए, करीब 95%+, ठीक है, 95% ज़्यादा है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कीजिएगा, हो सकता है इसमें से आपको कॉलेज कुछ सीटें हैं आपको मिल जाएं। बाकी दिल्ली वालों के ज़्यादा सीटें वहाँ पे होती हैं, अदर स्टेट के लिए काफ़ी कम होती हैं, बट हाँ अगर आपके हाईएस्ट नंबर हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं इस कॉलेज में विदाउट एंट्रेंस एग्जाम। बाकी नेक्स्ट प्रेफरेंस जो है वो है मदुराई मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु में, ठीक है, मदुराई, जो कि इसकी फीस है 30,000 पर ईयर की, और ये कॉलेज है तमिलनाडु में। और फ्रेंड्स इसके बाद है जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, जिसकी सबसे लोएस्ट फीस है फ्रेंड्स, शायद मुझे लग रहा है इंडिया में इससे कम कोई कॉलेज होगा जिसकी कम फीस है, 9,500, ठीक है। अब इससे ज़्यादा फार्मेसी में किसी कॉलेज में शायद ही फीस कम होगी जितनी इसकी है कोलकाता की, इस कॉलेज की जादवपुर यूनिवर्सिटी 9,500 फार्मेसी की, तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं, बाकी किसी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह दिक पुग्रह यूनिवर्सिटी आसाम, और इसकी जो सालाना फीस है वो है 23,500, इसकी फीस काफ़ी ठीक ठाक है, कम है, ठीक है, कम्पेयर टू प्राइवेट एंड अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस के। जितने भी कॉलेज मैंने बताया फ्रेंड्स, ये काफ़ी 50,000 से कम ही फीस वाले सभी कॉलेज हैं, ठीक है, 50,000 करीब हैं, लेकिन फिर भी हाँ कम है। तो फ्रेंड्स ये कुछ थी लिस्ट जो कि गवर्नमेंट कॉलेज की, तो आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर या किसी तरह से आप इसमें एडमिशन मिली, एंट्रेंस एग्ज़ाम से ही होता है एडमिशन, कोई और तरीके से नहीं, तो आप लोग इनके बारे में और जानकारी ले सकते हो अगर आप लोग एडमिशन चाहते हो इस ईयर या अगले आने वाले साल में। बाकी जो जो भी फार्मेसी स्टूडेंट फार्मेसी करना चाहता है या बी फॉर्म कोर्स करना चाहता है, तो उसे इन सभी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा उनके साथ। बाकी कुछ पूछना तो कॉमेंट में पूछिएगा, अब आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ या नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।